फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सकरपुर के गली नंबर 7 की एक बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, एक की मौत, 6 से ज्यादा हुए घायल। तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली जिला का ये सकरपुर है, जो कि गली नंबर 7 बिल्डिंग नंबर F11/50 में आग लगी। वहीं स्थानीय जनता के मुताबिक करीब 1 बजे आग लगी थी। वहीं फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को इसकी सूचना 1:03 पर और सकरपुर थाने को इसकी सूचना तकरीबन 1:08 के आसपास लगी थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई है और 6 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और एक फायर कर्मचारी भी है। बता दें कि आग कैसे लगी ये किसी को पता नहीं। ये 4 मंजिल थी और इसमें ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनी थी। इसमें 4 कार और 8 से ज्यादा 2 व्हीलर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। जनता का कहना है कि फायर ब्रिगेड को कॉल करने के 20 मिनट के बाद गाड़ियां आ गई थी और उसके बाद BSES के कंट्रोल रूम में कॉल किया था बिजली बंद करने के लिए, मगर वो CA नंबर मांग रहे थे, मगर उन्होंने करीब 2 घंटे के बाद लाइट बंद की। वहीं देख सकते हैं ये कार है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इसमें 2 व्हीलर भी थे, वहां भी जल गए हैं। इसी में कुछ लोगों ने कूद कर छलांग मारी, जिनके फ्रैक्चर आए, जिनको आसपास के हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया। वहीं इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहने वाली एक महिला की मौत हो गई है दम घुटने से। बहरहाल क्राइम टीम, FSL टीम और सकरपुर थाने के SHO संजय गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं फायर अधिकारी और स्थानीय जनता, सुने बाइट। जो हमारे पास जो सूचना मिली है वो 1:03 पे सूचना आई है कि घर के अंदर आग है। और इनिशियली जो हमारे पास जो कॉल आई है उसके बाद हमने 3 गाड़ियां फायर सीन के ऊपर भेजी हैं। और उसके बाद क्योंकि कॉल ज़्यादा आई हैं और उसके बाद में हमारे एक सीनियर अधिकारी ADO उपेंद्र सिंह को भेजा गया और साथ ही साथ उन्होंने जो है और गाड़ियां, क्योंकि जैसे ही बताया गया कि लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो हमारे रेस्क्यू यूनिट्स और उसके साथ हमने बिल्कुल मिला करके 8 गाड़ियां जो हैं और भेजी गई। सर कैजुअलिटी कितनी है? जो है जिन लोगों को निकाला गया है उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉस्पिटल में हमारे अधिकारी गए हुए हैं जो कि डिटेल्स ले रहे हैं और जैसे ही डिटेल्स कलेक्ट हो जाएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे टोटल कितने लोग होंगे इस बिल्डिंग में? टोटल देखिए जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी निकाले हैं, कुछ 1-2 लोग बता रहे हैं पहले कूद भी गए हैं, तो इसलिए पूरी डिटेल जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बिल्डिंग की कंपोजिशन जो है वो स्टिल्ट फ्लोर थी, उसके बाद ग्राउंड है और उसके बाद 3 और अपर फ्लोर है, तो टोटल स्टिल्ट को मिलाकर के 5 फ्लोर है। और इसको जो हमारी कंपोजिशन में बोलते हैं, जो हमारी भाषा में बोलते हैं, स्टिल्ट ग्राउंड प्लस 3। आग लगने का कारण कुछ पता लग पाया? अभी डिटेल्स जो है ये बाद में इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन स्टिल्ट फ्लोर पे काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी और वो गाड़ियों से ही जो है आग जो है आगे बढ़ी। कौन कौन से हॉस्पिटल इनको शिफ्ट किया गया सर? जो हमारे पास अभी डिटेल आई है, हमारे जो अधिकारी गए हुए हैं उन्होंने बताया लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में है, हेडगेवार हॉस्पिटल में है और LNJP हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सर आग बुझाने में कितनी तकलीफ हुई? और सुनने में आया कि आपका एक फायर अधिकारी भी घायल हुआ है। ज़्यादा स्मोक इनहेल की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें हीट बहुत ज़्यादा थी और स्मोक भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारे आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रयास किया और जैसे तैसे सभी लोगों को जो है वो हम निकाल पाए हैं सेफली। सेकेंड फ्लोर पे जो और थर्ड फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे उनको मैंने खुद अपने साथ रेस्क्यू करवाया है और अभी बिल्डिंग में कोई फायर नहीं है और आग पूरी तरह बुझ चुकी है। सर्च रेस्क्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है, सभी लोगों को हम बाहर निकाल चुके हैं सेफली। आग लगने का कारण पता नहीं चला, रात को 1 बजे के आसपास आग लगी थी और हमारे को नीचे कोई बंदा फ़ोन करके बताया कि आपके बिल्डिंग में आग लग गई है, तो हम लोग देखे शॉर्ट सर्किट है क्या है ये कुछ बता नहीं सकते। अभी पुलिस जो है ना तहकीकात कर रही है। एक की मौत हो गई है, दम घुटने से मौत हुई है और 3-4 सेकंड फ्लोर से 3-4 बंदे कूदे भी है, 5 बंदे कूदे हैं। टोटल 6 बंदे कूदे? 5 बंदे हैं, एक इधर लड़की, 4 लड़की 4, 1 5 और 1 6 छः बंदे कूदे हैं और 6 सीरियस है। और इसमें गाड़ियां भी काफी चार कारें जली हैं, 8-10 बाइकें जली गई, बुलेट वगैरह सब जल गया। हादसा अबाउट 12:30-1 बजे के आसपास हुआ है। 12:30 बजे मैं घर पे आया था और 1 बजे के आसपास हुआ है। देखिए अभी तो सीधा सीधा बता नहीं पाएंगे, जहाँ तक है सबको लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है।
हाँ, एक महिला की मौत हुई है जो टॉप फ्लोर पर रहती थी। बाकी बात करें तो गाड़ियाँ टू व्हीलर भी काफ़ी चले हैं। हाँ, टू व्हीलर मेरे खुद पांच गाड़ियाँ चली हैं, चार पांच गाड़ी मेरी चली हैं, प्लस कारें चली हैं, प्लस बाइकें, बहुत सारी बाइकें वगैरह चली हैं, बाइकें, साइकिल, जो भी नीचे खड़ा था सब कुछ जला है।